सोचने लगी रुके मेरे मन में बैठे हो। तुम्हारी महारानी तुम्हें महलों में बुला रही है।
बाजी महारानी हमें बिल्कुल ठीक है चलो हम चलने को तैयार है। महाराज चली जाकर के महलों में पहुंचे, बोले क्यों एक खड़ा हो जाता है राजाओं के नाम बताता है और दूसरा खड़ा होकर के उनके गुण और ऐब बताने लगता है। उस दरबार में बारी बारी से अभी ये बातें काहे की हो रही थी बेटा, तुम्हारी बहन रुक्मिणी है ना, हाँ, उसकी शादी की चर्चा चल रही थी। शादी की चर्चा? हाँ, कोई लड़का मिला? हाँ हाँ, कौन है? द्वारकाधीश भगवान कन्हैया। रुक्म कहने लगा प्रसादी, वो कन्हैया तब से राजा हो गया, कईयों के पीछे घूमता रहा, थोड़ी घूम करता रहा, लड़कियों के साथ में नाचता रहा, उसके साथ मेरी बहन की शादी कदाप नहीं हो। रुको बोला है बेटा जी, बहन की डोली की जगह यहाँ पे अर्थियां उठ जाएंगी तो मैं नहीं मालूम। We'll be right back.
Thank you.